Yeah, Musa. This is Masjid An-Nabawi. Yes, very nice mosque. It's very nice. Not a Muslim? No, this is not. He is not Muslim. Like capture. ये देखें भाई, इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और नॉन मुस्लिम हैं और मस्जिद नबी के अंदर माशाल्लाह से घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला इनको नहीं है और इनकी हालत देख लें, माशाल्लाह से नीचे सब खुला है। और ये हमारे अब्दुल रऊफ भाई ने इनसे मुलाकात की। ये नॉन मुस्लिम देखें, ये आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखा ये वीडियो? ये वीडियो सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा रोज़े अक़दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर रोज़ा है, मस्जिद नबवी के बाहर का ये वीडियो। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और सऊदी सरकार को कहीं ना कहीं इस वीडियो के ज़रिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ईसाई, यहूदी या गैर मुस्लिम, जिनके बारे में बाकायदा अहादीस नबवी मौजूद हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुकाम मुक़दसा जो भी हैं या मुक़दस शहर जो दोनों हैं मक्का और मदीना, दोनों में गैर मुस्लिमीन की एंट्री बैन है। पिछले साल आपने हज के मौके पर देखा था कि एक यहूदी किस तरह से हरम मक्की तक पहुंच गया था, खाने काबा तक पहुंच गया था। उसने पूरा हज कवर किया था, मैदान अरफात और मिना में भी वो पहुँचा था और उसके बाद उसने इन वीडियोज़ को इसराइल पहुँचने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला। हंगामा हुआ इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से सऊदी अरब के ज़रिए ये नापाक हरकतें की जा रही हैं, किस तरह से ये लोग पहुंच रहे हैं, बाकायदा चेक पोस्ट बनाई गई हैं लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचते हैं। इसके साथ ही साइन बोर्ड जो पहले लगे हुआ करते थे जिसमें लिखा होता था कि इन हदूद से आगे गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है, उन साइन बोर्ड्स को भी अब हटा लिया गया है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब सऊदी सरकार ने गैर मुस्लिमीन की एंट्री के लिए इजाज़त दे दी है? क्या गैर मुस्लिम अब वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर घूम कर सकते हैं, सैर व तफरी क्या कर सकते हैं? जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो उनका ड्रेस भी, हालांकि पूरा ड्रेस नहीं दिखा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, उसकी मोहब्बत को देखते हुए आप ये लोग जो हैं उनको पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं ताकि बेअदबी ना हो, रोज़े मुबारक की बेअदबी ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरा शॉट नहीं लिया गया है, लेकिन बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये लोग शॉर्ट्स में हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह से ये वहाँ तक पहुँचे जब एंट्री पॉइंट्स हैं, गैर मुस्लिमों के पासपोर्ट चेक होते हैं, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। हज के वक्त एक यहूदी कैसे पहुँचा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के रज़ा अकेडमी मुंबई ने एक लेटर लिखा है सऊदी सरकार को और उसमें चेताया है कि किस तरह से आप जो है ऑस्ट्रेलियन, ये जो ये कपल है यहाँ पर पहुँचा है जो ईसाई है, किस तरह से यहाँ पर पहुँचा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सवाल किया गया है क्या आप लोगों ने अब गैर मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर परमिशन दे दी है? ये सवाल रज़ा एकेडमी के ज़रिए किया गया है और इसमें अहादीस मुक़दसा का भी जिक्र है कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गैर मुस्लिमीन की एंट्री इन दोनों मुक़दस शहरों में बैन है, लेकिन उसके बावजूद आप ये नापाक हरकत कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जाकर के आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये बात साफ तौर पर कही गई है और आखिर में ये लेटर में लिखा गया है कि अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए तो आपके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या सऊदी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, क्या कोई क्लेरिफिकेशन आता है और जिन अधिकारियों की कमी की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, ऐसा संभव लगता नहीं है हालांकि। लेकिन जैसे ही इस तरह की कोई खबर आएगी तो हम फिर आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।